Hello everyone, I am Varun from Only English. Today we will read the second chapter from the book Flamingo of Class 12 CBSE. The name of the chapter is Lost Spring. It has been written by Annie Chung. She was born in 1964 in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad in the United States of America. Her parents were both writers. Annie Chung began her career as a writer in India. She has been an editor, columnist in a major newspaper in India and abroad, and has authored several books. The following is an extract from her book, the title Lost Spring, a story of stolen child. Here she analyzes the grinding poverty and the traditions which condemns these children to the life ऑफ एक्सप्लटेशंस. यानी इसमें जो ये जो बुक हम पर ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं द लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरी ऑफ द स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये उसमें दिखा गया कि किस तरीके से जो पॉवर्टी है वो कितना जो है लोगों को जो बच्चे हैं उसको कितना जो है उसकी लाइफ को बर्बाद किया है, उसकी बचपन छिन चुकी है इसी में. शी इज़ अ वेरी फेमस राइटर. ये जो बुक ये जो चैप्टर लिखा गया है यानी जो आज हम पढ़ने वाले हैं द लॉस्ट स्प्रिंग, ये जो लिखा गया है ये आपको 2005 में लिखा गया है और इससे सबसे ज़्यादा पहले फेमस हुई थी इनकी बुक है अनवीलिंग इंडिया जो कि 1987 में पब्लिश हुआ था. उसके बाद और भी काफ़ी सारे बुक है, सेवन सिस्टर, ब्रेकिंग द साइलेंस, बियॉन्ड द कोर्टयार्ड, द सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये सब सारे जो बुक्स हैं इसके काफ़ी फेमस हैं एनिस जंग के. अब इसमें जो पढ़ने वाले हैं इसमें एक चीज़ को याद रखना पड़ेगा कि इसमें दो स्टोरी है. एक तो साहेब आलम का यानी कि दो स्टोरी है. एक तो आपको जो सीमापुरी है वहाँ पर जो रैग पिकर्स वगैरह रहते हैं उसका स्टोरी है जिसका नाम कि साहेब आलम है, और दूसरा है मुकेश का जो कि काम करता है आपको फिरोज़ाबाद में जो बंगाल इंडस्ट्री है वहाँ पर. तो ये चूँकि इसमें दो स्टोरी है तो इसलिए मैं इसको दो पार्ट में इस चैप्टर को बनाने वाला हूँ और आपको दो पार्ट में ये वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि एक पार्ट में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आपको भी, और स्टोरी दो है तो यानी यहाँ से स्टार्ट होता है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपीज़ इन द गार्बेज. यानी ये जो स्टेटमेंट है ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट है साहेब आलम का कि कहता है कि कभी कभी हमको एक रुपीज़ मिल जाता है गार्बेज में. अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होता है कि why do you do this? I asked Saheb, whom I encounter every morning scorching for a goal in the garbage dumps of my neighborhood. अब जो ये नैरेटर है वो क्या कहती है कि why do you do this? ये पूछती है किन से, साहेब आलम से, whom I encounter every morning, जिससे वो डेली मिलती है, इन द फॉर अ गोल्ड इन द गार्बेज. अब गार्बेज में कभी गोल्ड मिल सकता है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर गोल्ड का मतलब ये हुआ कि होता ना, अगर कोई ट्रेड करता है तो उसके लिए जो ट्रेड में सामान यूज़ किया जाता है वही उसके लिए गोल्ड होता है. यहाँ गोल्ड से मतलब है कि जो चीज़ आपको प्रॉफिट देने वाला है, तो यहाँ गोल्ड का मतलब ये हो गया कि उसको गार्बेज में जो ढूंढ करके बेच करके जो उसकी लाइवलीहुड बना था उसी को वो गोल्ड कहा गया. तो क्या कहती है, वाई डू यू डू दिस, आई आस्क्ड साहेब, हुम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्कॉचिंग फॉर अ गोल इन द गार्बेज. यानी कि स्कॉचिंग का क्या मतलब होता है, ढूंढना. यहाँ पर स्कॉचिंग का क्या मतलब होता है कि सेल्फ, अगर आप किसी चीज़ को ढूंढते हैं तो उसको, फॉर अ गोल इन द गार्बेज. यानी यहाँ पर गोल का मतलब मैंने बता दिया, डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड, यानी कि जो नरेटर थी उसके पड़ोस में जो गार्बेज जमा रहता था वहाँ पर ये लोग ढूंढता था. साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. अब क्या कहते नाटक है कि जो साहेब है, ये जो साहेब है, साहेब लेफ्ट हिज होम अ लॉन्ग अगो, अपना उसने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था. सेट एमिड्स्ट, अब सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, यानी इनका जो घर था वो कहाँ था, ढाका में था, जो कि चारों तरफ से, एमिड्स का मतलब होता है सराउंडिंग में, तो जो जहाँ पर चारों तरफ से ग्रीन फील्ड हुआ करता था वहाँ पे. हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, अब उसका जो घर है उसको दूर दूर तक यानी कि उसको अब याद नहीं आता है. ये इस अब डिस्टेंट मेमोरी मतलब उसको याद ही नहीं है अपने घर के बारे में. क्यों नहीं याद है, देर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स,
यानी बहुत सारे स्टॉर्म्स आए, यानी आंधी तूफान आया जो कि उसके घर को बहा ले गया, उजाड़ ले गया। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी मदर ये कहानी उसको कहता है। दैट इज़ वाई, इसीलिए दे लेफ्ट लुकिंग फॉर अ गोल इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, इसीलिए उन लोगों ने अपना घर छोड़ दिया और बिग सिटी में आकर के रहता है जहाँ पर कि आज वो रह रहे हैं यानी दिल्ली में। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, तो साहब को जब पूछता है ये क्वेश्चन, इसको ये बीच में साहब के बारे में बताया गया है और क्वेश्चन साहब से ये पूछता है कि वाई डू यू डू दिस, तो इसके बीच में साहब की स्टोरी है और यहाँ पर साहब आकर स्टोरी का आंसर देता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ करने के लिए। ही मटर्स लुकिंग अवे, यानी कि दूर देखते हुए, जैसे कि कोई आप जब डायरेक्टली किसी की आँख में आँख डाल करके आंसर नहीं देते हैं और आप छुपाने की बात करते हैं, तो थोड़ा सा नज़र आगे की तरफ करके वो ही मटर्स, मटर्स का मतलब होता है बोलना, बट वेरी इन अ लो वॉइस, मैंने काफ़ी कम आवाज़ में बोलना। गो टू स्कूल्स आई से ग्लिबली, तब नरेटर उसको कहती है कि गो टू स्कूल ग्लिबली। अब ग्लिबली का मतलब होता है स्पीक और स्पोकन इन अ कॉन्फिडेंट मैनर और अ वे बट विदाउट केयरफुल थॉट ऑफ इट, यानी कि आपने किसी को बड़े कॉन्फिडेंटली ग्लिबली उसको कह दिया कि स्कूल क्यों नहीं जाते, लेकिन आप सोचते नहीं हैं इसके बारे में जो आपने कहा। तो क्या है, रियलाइजिंग इमिडिएटली, यानी जब उसने कह दिया कि स्कूल क्यों नहीं जाती, तुरंत ही रियलाइज़ हुआ कि इसको नरेटर को हाउ होलो एडवाइस मस्ट साउंड, यानी जो उसने एडवाइस दिया है वो कितना होलो है। होलो का मतलब क्या, उसका कोई मतलब है, यानी कितना खोखला है वो एडवाइस, क्योंकि उस एडवाइस में दम नहीं है। क्यों दम नहीं है, देर इज़ अ नो स्कूल्स इन माई नेबरहुड, वेन दे बिल्ड वन आई गो, तो फिर वो साहिब आलम कहता है कि जब बनेगा तब मैं स्कूल जाऊंगा, मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है। तो इसीलिए ये नरेटर भी कहती है कि जो उसने एडवाइस दिया वो कितना सही है। अब ये साहिब आलम अभी तक पता नहीं चला था, चूँकि आप शुरुआत में ये चीज़ बता दिया गया है साहिब, तो अब और आगे भी इसके बारे में है, तो ये कहता है साहिब आलम, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, तो नरेटर कहती है कि इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क्ड हाफ जोकिंग, यानी कि आधे मजाक करते हुए उसने पूछी कि क्या मैं स्कूल जो खोलूंगी तो क्या तुम आओगे। यस ही सेड स्माइलिंग ब्रॉडली, यानी वो हंसते हुए कहा हाँ क्यों नहीं आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर ही सी आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिन बाद मैं देखती हूँ कि वो मेरे तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। इज़ योर स्कूल रेडी, और पूछता है कि क्या मेरा स्कूल रेडी है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से एम्बेरस्ड, यानी अब नरेटर को यहाँ पर अपने आप को बड़ा शर्मिंदगी महसूस होता है और फिर वो आंसर देती है कि स्कूल बनने में तो समय लगता है ना, एट हैविंग मेड, तो अब ये जो बात नरेटर ने कही कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रोमिस दैट वॉज नॉट मीन, यानी कि उसने जो प्रोमिस किया था और अब इस बात के लिए उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही नरेटर को कि उस प्रॉमिस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्कूल कैसे वो नरेटर बनाए, स्कूल इतना बनाना आसान नहीं होता है। बट प्रॉमिस लाइक माइन अराउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, तो अब नरेटर को ये कहती है कि जो प्रॉमिस नरेटर ने की उसके साथ साहिब आलम के साथ, इस तरह का प्रॉमिस जो है उसके लाइफ में बहुत सारा, उसका जो दुनिया है, अब यहाँ ब्लिक का मतलब होता है एम्प्टी यानी कि खाली, उसकी जो ये खाली दुनिया है उसमें इस तरह, अबाउंड का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, यानी इस उसके खाली दुनिया में इस तरह का काफ़ी जो है प्रॉमिस करने वाले लोग हैं, तो उसमें नरेटर भी अपने आप को शामिल कर, कम से कम नरेटर सेंसिबल है इस मामले में। आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, यानी कि एक लगभग एक मंथ या कुछ मंथ तक उससे मिलने के बाद उसको जानती है। आई आस्क्ड हिम हिज नेम, मैंने उनका नाम पूछा। साहेब आलम ही अनाउंस, उसने कहा कि मेरा नाम क्या है, साहेब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, यानी उनको ये पता नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इसका मतलब जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो यानी जो उसका नाम था साहेब आलम उसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। He would have a hard time believing it, यानी उसको ये विश्वास नहीं होता कि उस रैग पीकर का नाम का मतलब इतना, ये इतना है कि वो पूरी दुनिया का जो है भगवान है। Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, यानी अपने नाम का, अपने नेम का नाम ना पता होने के, नहीं पता था, unaware of, यानी अपने नाम से, अपने जो उसका जो नाम था उनसे unaware था, यानी कि उसको अनजान था। और ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड, यानी अपने दोस्तों के साथ गलियों में घुमा करता था। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट,
जैसे कि आर्मी का, अब यहाँ आर्मी ऑफ बेयर फुट का मतलब है जैसे आर्मी एक साथ साथ चलता है झुंड में, उसी तरह से इधर आर्मी ऑफ बेयर फुट, यानी बेयर फुट मतलब खाली पांव, हु अपेयर्स लाइक ए मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपेयर इन द नून, यानी कि वो एक सिंबॉलिक दिया है कि वो आर्मी के तरह जो है झुंड में चलता था अपने दोस्तों के साथ, और सुबह में दिखाई देता था और दोपहर में गायब हो जाता था उस चिड़िया के तरह, जैसे सुबह में चिड़िया दिखाई देता है और दिन में गायब हो जाता है। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, अब नाइटर कहते हैं कि मैंने सबको रिकॉग्नाइज कर दिया। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन, मैंने एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम सेल्फ, तब वो उसकी एक कहता है कि मेरी मदर जो है अलमीरा से निकाल करके नहीं दी। ही आंसर सिंपली, उसने आंसर दिया ठीक, इवन शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर, तो दूसरा बच्चा कहता है, जैसे एक बच्चे का कोई मजाक उड़ा था तो दूसरा बच्चा कहता है अगर अगर उसकी मदर दे भी देती, इवन इफ मदर एट्स ही, तो क्या करता कि उसको फेंक देता। हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, व्हेन आई कमेंटेड ऑन ही सफल हिज फीट से नथिंग, यानी दूसरा बच्चा जो कहा पहले वाले बच्चों के लिए कि अगर इसकी मदर देती भी तो वो उठा करके फेंक देता, तो वो क्या पहना हुआ था, एक शूज़ पहना हुआ था, यानी कि डिफरेंट है कि एक शूज़ अलग था दूसरा जो मैच नहीं कर रहा था। जब नरेटर ने उसके शूज़ के बारे में कमेंट किया ही सफल हिज फीट, तो अपना जो है वो पाँव जो है हिलाता, सफल का मतलब होता है हिलाना। आई वॉन्ट शूज सेज थर्ड बॉयज, अब तीसरा जो लड़का है वो कहता है कि मुझे शूज चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मुझे शूज मिले। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, यानी उसके जीवन में कभी भी शूज नहीं मिला था। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयर फुट इन द सिटीज और विलेज रोड, अब ये हमने कहा ना कि ये नरेटर जो है काफ़ी ट्रेवल, इसीलिए इन्होंने एक जो बुक लिखा था ट्रेवलिंग डायरी फोकस एंड इंटरव्यूज़, ये उसी में था अनविलिंग इंडिया के बारे में, तो उसमें क्या की थी जो पूरे घूम घूम करके इंटरव्यू लिया करती थी वुमेन वगैरह से, तो इसीलिए यहाँ पर भी मेंशन है कि जब वो पूरा ट्रैवलिंग की अक्रॉस द कंट्री, तो देखा कि सिटी में और विलेज में जो बच्चे हैं या वो बिना चप्पल के लोग चल रहे हैं। तो इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशंस टू स्टे बेयरफुट, तो कहता ये जो लोग चल रहे हैं ये ऐसा नहीं कि पैसों की कमी के कारण लोग चप्पल नहीं पहन रहे, ये एक ट्रेडिशन है। इट वन एक्सप्लेनेशन, यानी कि एक एक्सप्लेनेशन ये है इसका कि लोग जो बिना चप्पल के चल रहे हैं, तो उसका एक एक्सप्लेनेशन ये है कि पैसे की कमी के कारण नहीं चल रहा है, ये एक ट्रेडिशन है खाली पांव चलना। आई वंडर, तो इस बात के लिए नरेटर को आश्चर्य लगता है, इफ़ दिस इज़ द ओनली एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, क्या ये एक एक्सक्यूज है कि लगातार जो पॉवर्टी है उसको छुपाने के लिए, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी का मतलब ऐसा पॉवर्टी जो सदा चली आ रही है, बहुत लंबे समय तक एग्जिस्ट करता है, उसको कहते हैं परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी को छुपाने के लिए एक एक्सक्यूज है कि हम लोग चप्पल इसलिए नहीं पहनते हैं चूँकि बेयर फुट चलना एक ट्रेडिशन है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी, उदीपी कर्नाटक का एक विलेज और सिटी कह सकते हैं वहाँ का है, तो कह आई रिमेंबर द स्टोरी ऑफ अ मैन वंस टोल्ड मी, उसने स्टोरी कहा था किसको, नरेटर को, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास इन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, यानी उसको एक स्टोरी कहा था कि इंसान ने कि जो कि उदीपी विलेज से या सिटी से बिलोंग, अब तो सिटी हो चुका है, उससे बिलोंग करता था, उसने कहा कि जब वो बच्चा था एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल, स्कूल जाता था और एक टेम्पल से होते हुए जाता था ठीक, वेयर जहाँ पर कि उसके फादर जो थे क्या थे, प्रीस्ट थे, ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, टेम्पल के सामने रुकता था एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और एक शूज़ के लिए प्रेयर करता, रिक्वेस्ट करता था। 30 years later I visited his town. 30 years बाद मैंने उसके टाउन को विजिट किया एंड टेम्पल और फिर टेम्पल विच वॉज नॉट डाउन इन द एयर ऑफ डिसोलेशन, डिसोलेशन का मतलब होता है कम्प्लीटली गायब हो जाना, खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना, तो यानी अब डाउन ऑफ द डिसोलेशन एयर का मतलब यानी कि जो पहली वाली स्थिति थी वो काफ़ी ख़राब हो चुका था, ऑलमोस्ट सब कुछ गायब हो चुका था वहाँ से, ये हम कह सकते हैं डिसोल्यूशंस। तो इन द बैक यार्ड द
तब उसके पीछे में जो ये था उनके जो जहाँ पर उसका घर उसके पीछे में इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड अ न्यू प्रिस्ट, यानी उसके बैकयार्ड में एक नया प्रिस्ट रहता था। तो अब ये प्रिस्ट कौन हो सकता है जो मंदिर जाया करता था और रिक्वेस्ट किया करता था स्कूल जाते समय चप्पल के लिए। देयर वर अ रेड एंड द वाइट प्लास्टिक चेयर, और वहाँ पर रेड और वाइट कलर के प्लास्टिक चेयर लगे थे। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म्स वियरिंग शॉक्स एंड शूज अराइविंग पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, यानी कि एक यंग बॉय छोटा सा बच्चा जो हुआ जो कि ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था और वो सॉक्स और शूज़ भी पहना हुआ था। अराइव्ड पेंटिंग, पेंटिंग का मतलब होता है यहाँ पर हाफना, यानी पैंट का मतलब होता है हाफना। तो हाफते हुए यानी कि जब कोई स्पीड से चलता जैसे बच्चा दौड़ के आता ना, थ्रू हिज बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, बैग जो है फोल्डिंग बेड पे फोड़ दिया। लुकिंग एट द बॉय, जब बॉय को मैंने देखा, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड इन द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, यानी उसको याद आता है कि जो एक वही जो स्कूल जाते समय जो लड़का प्रेयर करता था कि उसको एक फाइनली शूज़ मिल जाए, तो उसको तो नहीं मिला, अब उसके बेटे को मिले पेयर ऑफ शूज़। लेट मी नेवर लूज, मैं चाहता हूँ कि ये जो पेयर ऑफ शूज़ मिला कभी भी उनके माने वो कभी खोए ना। कहने का मतलब उनको जो ये श्रम उनके पास ऐसा कैपेबिलिटी आया है, यानी उसकी इतनी परचेजिंग पावर हो चुका है, वो कभी उसके पास से जाए ना, ऐसा नरेटर का मानना है। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, यानी उसके प्रेयर को गॉडेस ने सुन ली। एंड द यंग बॉय लाइक द सन ऑफ प्रिस्ट, ये चूंकि प्रिस्ट का सन ही है, द यंग बॉय लाइक सन ऑफ प्रिस्ट नाउ वोर शूज, अब वो शूज़ पहनता। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर इन द नेबरहुड रिमेन शूज, लेकिन उसके जो नेबरहुड में रैग पिकर्स थे वो क्या थे, ऐसे बेयर फुट घुमा करते थे। माई एक्वेटेंसेस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, आप कह रहे कि मेरा जो परिचय था, एक्वेटेंस का मतलब होता है परिचय, तो अब उसका जो वो परिचित हो चुकी थी नरेटर बाकी रैग पिकर्स थे, तो वो कहाँ जाते विद बेयर फुट लीड्स टू मी सीमापुरी, अब वो सीमापुरी लेकर के मनी अब उस उन लोगों से मिलते हुए जिलते हुए जो उसका उनके बारे में जानते जानते वो कहाँ पहुँच गए, सीमापुरी, अ प्लेस इन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के किनारे वाले साइड पे, पेरीफेरी मतलब जो साइड वाला किनारा होता, येट अ माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। तो अब चूंकि नैरेटर मान लीजिए कैलाश कॉलोनी में रहती है और वो सीमापुरी में थे, तो कैलाश कॉलोनी का जो इलाका है वो कितना पॉश है, या फिर आप बसंत कुंज का कह सकते हैं, और जो सीमापुरी है तो काफ़ी वो दूर है तो दिल्ली में ही, तो लेकिन वहाँ का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ख़राब है, सीमापुरी जो जंगल का इलाका था, तो इसीलिए यहाँ पर ये मेटाफरल की यूज़ किया गया है कि काफ़ी दूर है, क्योंकि शहर से जो गांव का डिस्टेंस होता है काफ़ी दूर होता है, गांव में उतनी सुविधा नहीं होती, तो इसीलिए यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है मेटाफरिकली, इसीलिए यूज़ किया गया है। तो अब ये यहाँ पर क्या कहती कि माई एक्वेटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी सीमापुरी अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, किंतु ये दूर है मेटाफरली। दोज हु लिव्ड हियर आर द स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, अब कहते हैं जो यहाँ पर रहता है, दोज हु लिव्स हियर आर द स्क्वाटर्स, स्क्वाटर्स कौन होता है, जो आप देखते होंगे अ पर्सन हु लिव इन द बिल्डिंग विदाउट अ परमिशंस, यानी कि देखते ना कि जो रेन बसेरा जिसको हम कहते हैं, जो किसी भी बिल्डिंग में किसी भी जगह पर रहने लगता है, उन लोगों को कहते हैं द स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश। ये जो लोग यहाँ पर रहते, कहाँ से आए थे, बांग्लादेश आए थे 1971 में, जब 1971 में वॉर भी हुआ था पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश अलग हो चुका था। साहेब फैमिली इज अमंग देम, यानी साहेब का जो फैमिली था वो उसमें से एक था। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस, जब वो आया था 1971 में तो काफ़ी यहाँ पर जंगल था। इट इज़ स्टिल, तो अभी भी वो उतना डेवलप नहीं है, इसलिए कहते इट इज़ स्टिल, बट इट इज़ अ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ मड विद द रूप्स ऑफ द टिन एंड टारपोलिन डिवॉइड ऑफ द सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव्स 10,000 रैग पिकर। तो ये जो आप यहाँ बता रहे कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं सीमापुरी में, वॉज तब तो काफ़ी जंगल था, अभी भी उतना साफ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, बट इट इज़ नो लॉन्गर, द स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ जो लोग रहते उसका घर किस चीज़ से है, मड से बना है, उस पर
रूफ किस चीज़ का है, टीन का है, टारपोलिन मतलब बड़ा जो पन्नी सा बना होता है उसको जो ढक करके बनाया जाता है, रोड के किनारे देखते होंगे। डिवाइड ऑफ सीवेज, यानी अब उन लोगों को ना तो सीवेज की सुविधा है, ना ड्रेनेज की सुविधा है और ना रनिंग वाटर का, लगभग इन सब सुविधा ना हो। डिवाइड का मतलब होता है अवे फ्रॉम एनीथिंग, डिवाइड का मतलब होता है वेन यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग वट इज़ रिक्वायर्ड, तो उसको हम डिवाइड कहते हैं। तो लैक ऑफ चीज़ भी कह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से ना रहने के बावजूद भी वहाँ कितने 10,000 रैग पिकर्स रहते थे। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, यानी बिना किसी पहचान के वहाँ पर 30 साल से वो लोग रह रहे हैं, ठीक। विदाउट परमिट बट द राशन कार्ड दैट गेट्स देयर नेम ऑन द वोटर्स, यानी अब उनके पास आइडेंटिटी तो नहीं है विदाउट अ परमिट्स, बट द राशन कार्ड पे उन लोग का नाम है, गेट देयर नेम्स ऑन द वोटर, जिसके कारण उसका वोटर लिस्ट पे नाम है। लिस्ट एंड अनेबल देम टू बाय ग्रेन, और जिसके कारण उन लोग को थोड़ा बहुत ग्रेन मिल जाता है। फूड इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अ सर्वाइवल देन द आइडेंटिटी, अब कहता है भोजन जो है ज़्यादा ज़रूरी है, बस ज़्यादा ज़रूरी है उससे आइडेंटिटी से, यानी कि अगर जिंदा रहेंगे तभी ना आइडेंटिटी काम आएगा, इसलिए क्योंकि फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल जीने के लिए देन द आइडेंटिटी। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यानी ये किसी का स्टेटमेंट है, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन। तो अब ये क्या कहता है कि जो फूड है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आइडेंटिटी से, अगर अगर शाम होते होते हम लोग अपने फैमिली को खिला करके बेड पे चले जाते हैं बिना पेट में दर्द हुए, क्योंकि भूख के कारण पेट में दर्द भी होने लगता था, तो क्या कहें विदाउट एकिंग द स्टमक, तो बिना दर्द हुए हम अपने चले जाते हैं, वी वुड राइदर लिव्ड हियर, हम लोग यहीं पर रहना चाहेंगे देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, उस फील्ड में यानी कि अपने घर के बारे में कह रहा है, बांग्लादेश के बारे में कह रहा है, वहाँ पर रहना नहीं चाहेंगे जो कि हम लोग को कोई भोजन नहीं देने वाले। ये स्टेटमेंट किसका है, से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन द टैटर सारी, ये कुछ जो औरतें थी जिनसे कि ये नरेटर पूछ रही थी उसने कहा था, जो कि टैटर मतलब होता है पुराना या फटा हुआ साड़ी, उसको कहते टैटर्ड साड़ी पहनी हुई थी। व्हेन आई आस्क्स देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड द रिवर, यानी ये क्वेश्चन पहले पूछा गया, इसका आंसर ये जो क्वेश्चन है पहले, जब वो कहते हैं ना कि व्हाई डिड यू लीव देयर, तो ये क्वेश्चन पहले होना चाहिए, तो क्वेश्चन को बाद में लिखा गया, आंसर पहले दिया गया कि व्हेन आई आस्क्स, यानी इस लेडी वगैरह से पूछा गया कि व्हाई दे, व्हेन आई आस्क्स व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड एंड द ग्रीन फील्ड्स ऑफ द रिवर, जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उसका आंसर दिया गया कि सर्वाइवल के लिए फूड ज़्यादा जरूरी है ना कि आइडेंटिटी, और मैं हम लोग यहीं रहना चाहेंगे जहाँ पर कि हमको फूड मिलता है, देन कि हम वहाँ जाना चाहेंगे जहाँ पर कुछ नहीं मिलता। वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं पर भी उन लोग को फूड मिलता था, दे पिच देयर टेंट्स एंड दैट बिकम ट्रांजिट होम। ट्रांजिट होम का मतलब क्या होता है, जो मूव करने वाला होता है, एक घर यहाँ से आज देखते हैं ना रैन बसेरा वाले को, आज यहाँ घर है कल कहीं और उठा के बनाते हैं। तो वेन एवर दे फाइंड फूड्स दे पिच देयर टेंट्स एंड बिकम ट्रांजिट होम, चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम बिकमिंग द पार्टनर्स ऑफ सर्वाइवल, बच्चे उन्हीं के साथ बड़े होते हैं, उसी जो झोपड़ी होता है उसी में पैदा लेते हैं, उसी के साथ बड़े हो जाते हैं और उनका पार्टनर होते हैं। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम बिकम पार्टनर एंड द सर्वाइवल इन द सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का क्या मतलब है कि आपको रैग पिकिंग करना पड़ा। थ्रू द ईयर्स इट हैड एक्वायर द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, यानी कि जैसे जैसे वो लोग बड़ा होता है थ्रू द ईयर्स, ईयर के साथ साथ, यानी प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट्स का मतलब कि कूड़े, जैसे हम लोग और आप लोग अगर कूड़े को चुनने जाएंगे तो क्या चुनना है कुछ पता नहीं होता, लेकिन आप देखेंगे कि उन लोगों को क्या पता होता है क्या चुनना है ये पता चल जाता है। तो प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट्स का मतलब कि वॉट टू कलेक्ट फ्रॉम दैट गार्बेज दे अंडरस्टूड, इसी को लिखा गया फाइन आर्ट्स। गार्बेज टू देम इज़ अ गोल्ड, अब बार बार हम कहें कि गार्बेज उन लोगों के लिए गोल्ड है, इट मीन्स कि लाइवलीहुड है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उन लोग के लिए डेली ब्रेड है। द रूफ ओवर देयर हेड्स, और उन लोग के ऊपर में यानी कि लाइफ उसके ऊपर में छत भी है एक तरह से। इवन इट्स द लीकिंग रूफ, यानी गार्बेज उन लोग के लिए सर्वाइवल का कारण है, छत का भी उसी पैसा जो कुछ मिलता है उसी से वो लोग छत बना करके या रूफ बना करके रहते, चाहे वो लीक कर यानी चाहे उसमें लीक ही हो रहा है तो क्या है।
बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ अ मोर इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए कुछ और ही है, इससे ज़्यादा है. आई समटाइम्स फाइंड अ रुपीज इवन अ 10 रुपीज नोट. यही स्टेटमेंट आपको शुरुआत में हमने पढ़ा कि आई फाइंड अ रुपीज इवन अ 10 रुपीज नोट, यानी कि कहता कि मैं मुझे कभी कभी रुपये मिल जाता, कभी कभी 10 रुपये भी मिल जाता है. साहेब सेज हिज आइज लाइटिंग अप, जब ये स्टेटमेंट कहता तो उसकी आंखों में चमक होता है, जो खुशी की चमक कहते हैं. When you can find a silver coin in the heap of garbage, जब आपको एक सिल्वर कॉइन मिलता है वो कूड़े के ढेर में, हीप मतलब ढेर होता है गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्कॉर्चिंग फॉर अदर, देर इज़ अ होप फॉर फाइंडिंग मनी, कि अगर एक मिलता है तो आप रुकते नहीं, आप चाहते हैं कि दूसरा भी हमको मिल जाए. इट सीम्स दैट फॉर अ चिल्ड्रेन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, यानी ऐसा लगता है कि जो बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब कुछ और है उसके पेरेंट्स के बजाय, मानी उसके पेरेंट्स के लिए इसका कुछ और मतलब है, बच्चों के लिए इसका कुछ और मतलब. फॉर अ चिल्ड्रन इट इज़ अ रैप इन द वंडर, यानी बच्चों के लिए एक ढेर है जो कि आश्चर्य है, एक तरह से कह सकते हैं कि एक ढेर है कूड़े का जो देख करके उन लोग को आश्चर्य लगता होगा, यह सरप्राइजिंग थिंग्स है. फॉर अ एल्डर्स इट मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बड़ों के लिए एक सर्वाइवल का साधन है. वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, मैंने एक विंटर मॉर्निंग में एक जो ठंडे का समय था देखा, साहेब जो था एक फेंस के बाहर खड़ा हुआ था, गेट ऑफ नेबरहुड क्लब, वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन द वाइट प्लेइंग टेनिस, और देखा कि वॉच कर रहा था कौन साहेब, जो दो इंसान थे, जो दो लोग थे वो टेनिस खेल रहा था वाइट ड्रेस पहन के. आई लाइक गेम ही हम्स, हम्स का मतलब ये होता है वही कम आवाज़ में, उसने कहा कि मुझे, मैं इस गेम को पसंद करता हूँ. कंटेंट टू वॉच स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, यानी वो कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड है, यानी वो बाहर, जैसे कभी कभी लोग क्रिकेट खेल के सेटिस्फाइड, कोई हम लोग देख करके सेटिस्फाइड होते हैं, तो वो बाहर से देख करके बड़ा सेटिस्फाइड था उस गेम को. फिर कहता आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड ही एडमिट्स, तो कहता है कि मैं अंदर भी जाता हूँ जब कोई नहीं होता है. आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड ही एडमिट्स. The gatekeeper lets me use the swings, जो gatekeeper है वो जो झूला है मुझे को use करने देता है. साहेब too is wearing the tennis shoes that looks strange over his discolor shirt and shorts, यानी साहेब भी discolor shoes पहना हुआ था जो काफ़ी different दिख रहा था उसके shirt से और shorts से. Someone gave them to me, he says in the manner of explanations, यानी अब वो जब उसके शूज़ की तरफ देखा तो वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा था कि किसी ने उसको दिया है. ठीक, the fact that they are discarded shoes of some rich boys, तो reality तो ये है कि वो जो शूज़ था वो किसी, discarded का मतलब होता है थ्रो कर देना, फेंक देना, यानी कि जिसको आप यूज़ नहीं करते, तो किसी rich boy का फेंका हुआ शूज़ है. Who perhaps refused to wear them because of the hole in one of them. चूँकि उसने पहनना, जो रिच बॉय था उसने पहनना छोड़ दिया था क्योंकि एक में छेद हो चुका था. Does not bother him. लेकिन ये जो शूज़ था साहेब के लिए कोई बुरा चीज़ नहीं था, मैंने परेशान करने वाली चीज़ नहीं थी. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. ऐसा इंसान जो कि हमेशा पैदल चलता है, उसको अगर एक फटा हुआ शूज़ ही मिल गया तो लगता है उसका सपना जो है सच हो गया. तो यही बात साहेब आलम के साथ था कि चलो फटे हुए शूज़ पहन के ही वो काफ़ी खुश था. बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली, लेकिन जो गेम वो टेनिस देख रहा था बड़ा एकदम इंटरेस्ट के साथ, इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन ये गेम उसके रीच से बाहर था. दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, अब इस ये दूसरे सुबह क्या हुआ कि देखती है कि साहब जो है मिल्क लाने के लिए, इस सुबह क्या है साहब जो है मिल्क लाने के लिए बूथ के तरफ जा रहा. दिस मॉर्निंग साहब इज़ ऑन द हिज वे टू मिल्क बूथ, यानी मिल्क बूथ के तरफ जा रहा था. ठीक, इन हिज हैंड ए स्टील कैंस्टर, और उसके हाथ में जो था एक स्टील कैंस्टर था. आई नाउ वर्क इन द टी स्टॉल डाउन द रोड, अब कहता है कि रोड के बगल में जो टी स्टॉल है वहाँ पर मैं काम करता हूँ. ही सेज, अब वो कहता है पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, यानी वो दिखाते हुए कि वहाँ पर टी स्टॉल है. आई एम पेड 800
एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपया देता है और मेरा पूरा भोजन भी देता है। ठीक, डज ही लाइक द जॉब, क्या उसको जॉब ये पसंद है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, यानी पहले जो काफ़ी खुश दिखता था, मैंने काफ़ी चिंता, केयर फ्री का मतलब किसी चीज़ की चिंता ना होना, उस तरीके से दिखता था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, यानी जो स्टील का कैनिस्टर था वो काफ़ी हैवियर था उससे, और जो उसका प्लास्टिक बैग था जो कि वो बड़ा एकदम स्लाइटली, मतलब बड़ा हल्के तरीके से, बड़ा मज़े में वो कैरी करता था जिसमें वो रैग पिकिंग करता था। द बैग इज़ क्यों था? द बैग वॉज हिज, क्योंकि वो बैग जो था उसका अपना था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द शॉप, लेकिन वो जो कैनिस्टर था वो किसका था? उस टी शॉप वाले का था, जो कि टी शॉप वाले का था। साहब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और साहब अब अपना मन का मालिक नहीं है। तो यही एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द साहेब एंड द मुकेश। तो अब जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं मैंने नेक्स्ट वीडियो में, वो यही कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, वहाँ पर क्या था कि समटाइम्स आई फाइंड अ रुपीज, पहले वाले स्टेटमेंट में आपको क्या मिला कि समटाइम्स आई फाइंड अ रुपीज इन द गारबेज, और वो मेन जो था साहेब आलम के बारे में मेन स्टेटमेंट था। इसी में मुकेश कैसे अपने परिस्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश करता है, और कैसे साहब जो है अपने परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाए, कभी कभी इस पर भी क्वेश्चंस होता है। तो ठीक, इसी के तरह ये चैप्टर ख़त्म होता है। एक और बताते हैं कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ फर्स्ट का, सेकेंड चैप्टर का, ये मैं बाद में बना रहा हूँ, कभी मैंने पहले भी बनाया था, उस टाइम इस तरीके से जो आपके चैप्टर हैं या फिर जो मैं स्लाइड करके चैप्टर को ऊपर नीचे करके के मार्क करता हूँ, इस तरह का नहीं बना, सिर्फ उसमें वॉइस था। फिर उसके बाद मैंने जो बाकी सारे चैप्टर बनाया उसमें आपको वॉइस भी है, चैप्टर इस तरीके से है, और इसीलिए मैंने दो चैप्टर पहले बना दिया था, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड। तो उस फर्स्ट और सेकंड भी हमारे वीडियो जो यूट्यूब चैनल है उस पर होगा, और फिर नए तरीके से बना रहे हैं तो वो भी है। तो दोनों तरीके से आप जिसको जो भी पसंद आता है उसको आप पढ़ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में लिख करके बताएं, और इस तरह से फिर मैं नया वीडियो भी बना करके देते रहूँ। टिल द टाइम हैव ए गुड डे।